और इसी बीच भोपाल से खबर, जहां 21 घंटे के उपवास पर पीसी शर्मा बैठ गए हैं। कांग्रेस विधायक हैं, पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा धरने पर बैठ गए हैं। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर धरना दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में ही उपवास पर बैठ गए हैं। लोगों को इंजेक्शन नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। कल 12 बजे उनका उपवास खत्म होगा। तो कांग्रेस नेता और विधायक पीसी शर्मा धरने पर बैठ गए हैं। इक्कीस घंटे का ये उपवास होगा, उपवास कर रहे हैं वो। और ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, जिसको लेकर उनका ये उपवास चल रहा है। कांग्रेस कार्यालय में ही वो उपवास कर रहे हैं। विधायक पीसी शर्मा उपवास पर बैठ गए हैं। कांग्रेस कार्यालय में ही 21 घंटे का उनका यह उपवास चल रहा है। और खबर को हम और भी समझते हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रभु जी, कैसे देखते हैं 21 घंटे का पीसी शर्मा का ये उपवास? जाहिर है उपवास से ना ही इंजेक्शन आ पाएगा ना ही ऑक्सीजन आ पाएगी, लेकिन इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? देखिए पारुल जी, जिस मंशा से उपवास किया गया उस मंशा को गलत नहीं कहा जा सकता है कि मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इन मुद्दों को लेकर पीसी शर्मा उपवास पर बैठे। इसके पहले भी एक ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर लेके वो गांधी प्रतिमा के सामने भी एक दिन धरने पे बैठ चुके थे। कुछ घंटों के प्रतीकात्मक उनका धरना था। लेकिन पीसी शर्मा जी को इस राजनीति से परे हटकर अपनी पार्टी के उन नेताओं से सीखना चाहिए जो विवेक तनखा है, उनको भाजपा के अजय विश्नोई जैसे नेताओं से सीखना चाहिए कि इस आपदा के अवसर में आप कैसे सरकार की और जनता की मदद कर सकते हैं। विवेक तनखा जी लगातार मदद कर रहे हैं, कैलाश विजय जी बंगाल के चुनाव में लगे हुए वहां से भी वो मदद कर रहे हैं। विवेक तनखा जी ने ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से मंगवाया, रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाया, उनने सरकार को एक लाइन दिखाई कि इस आपदा के मौके पर सेना की मदद ली जा सकती है, लोगों के इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर खुलवाए जा सकते हैं। तो ये इनको यहाँ पर राजनीति करनी चाहिए कि आप उपवास पर बैठकर एक निश्चेंस और गलतियां उजागर करके कोई सकारात्मक समाधान जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता को नहीं दे रहे हैं। और ये वो मौका है जब केवल हम ये कहें कि शिवराज सिंह चौहान की गलती से या मध्य प्रदेश की किसी अफसरों की गलती से मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जब सरकार की गलती कर रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, जिन चीजों का शॉर्टेज चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र में हो या दिल्ली में हो, केजरीवाल शासित राज्य में, हर जगह जिसका शॉर्टेज है, पूरे देश भर में एक जैसी परिस्थिति है, तो उसमें किसी एक व्यक्ति पर ठीकरा फोड़कर यूं राजनीति करना ये कतई उचित नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझना चाहिए, कमलनाथ जी को भी समझना चाहिए, और पीसी शर्मा को तो कमलनाथ जी से कहना चाहिए कि जिनके बड़े उद्योगपतियों से बहुत अच्छे संपर्क हैं, कि मध्य प्रदेश के हित में उन संपर्कों का उपयोग करें और प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं वो दिलवाएं। इन लोगों को एक अभियान चलाना चाहिए, जितने बड़े हॉल में ये बैठे हैं इसी में दो चार मरीजों को रख लेते, कोविड केयर सेंटर बना लेते एक चार छह बिस्तरों का। तो जो बड़े जो सेंटर्स हैं, जो यदि संस्थाएं हैं भोपाल की, जैसे निजी कॉलेजेस हैं, तो वहां पर इनको पहल करके मदद पे आना चाहिए, तो शायद जनता उसको याद भी करेगी और अच्छा काम भी होगा देश और समाज के हित में। जी जाहिर है, बहुत शुक्रिया प्रभु जी। ये बहुत अच्छा प्रभु जी ने बताया कि देखिए जिस जगह पर वो इस वक्त उपवास कर रहे हैं, मंशा उनकी अच्छी है, लेकिन इससे इतर उन्हें कांग्रेस के और भी नेता हैं, जैसे विवेक तनखा जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वो भी मदद को आगे आ रहे हैं। तो पीसी शर्मा जी शायद उस तरफ भी ध्यान दें। और जब हम देख रहे हैं कि हर राज्य में यही समस्या है, तो ऐसे में क्यों आप पर्टिकुलर टारगेट ढूंढकर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि
ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन किसी की मंशा पर हम सवाल नहीं खड़े कर रहे, पर इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है।